प्रक्रिया चेंज हो जाएगा ना, अब आपके नाम से जान जाएगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम शुक्लांग्रहं देवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। पापोऽहं पापकर्म पापात्मा पापसंभवः त्राहि माम् अग्निदेव ओम यम नायुर प्रभूते लाजानां विपन्दिता आयुषमानुस्तु मे पदरंताम ज्ञातो मम स्वाहा। इदम् अग्ने नमम ओम इमाम लाजानां पामग्ने समर्थीकरणं तव मम तुभ्यं च सवनम तत। द्वयोर्जे विष्णु स्तवानि तु तीसरे में चलो। त्रियो कृष्णाय विष्णु स्तवानि तु चौथे में चलो। चतवारी विष्णु स्तवानि तु साथ में चलो बेटा। चल लंबा पाओ दूर पे गया होना तेरे पास रुक गया। ओम पंच पशु भ्यो भ विष्णु स्तवानि तु पांचवे में चलिए। छवे में खड़ तु भ्यो भ विष्णु स्तवानि तु सातवे में सखे सपतवदा मान भूता भ विष्णु स्तवानि तु। बैठ जाइए आराम से। सपदपतियों में सर्वप्रथम वर के मन में शंका क्या हुई कि जब कभी पति पत्नी पूजा करने बैठते हैं, जैसे आपके माता पिता बैठे थे, आपका दान किया संकल्प किया, तो आपकी जो माता थी वो आपके पिता के बाई ओर बैठी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इनके दाई ओर बैठे। तो वर के मन में शंका यही हुई, तो वर ने कन्या से प्रश्न किया कि कन्या, जब हम दोनों का विवाह हो चुका, आपके माता पिता ने आपके हाथ में क्या बांधा, मौड़ी बांधी, और आपका हाथ इनके हाथ के ऊपर रख दिया, उसको कहते हैं पाणि ग्रहण, पाणि कहते हैं हाथ को, हमारा पाणि ग्रहण संस्कार हो गया, हमारा विवाह हो गया, आप मेरी पत्नी बन गई, रजत कह रहा है, लेकिन पत्नियां तो वहीं और बैठती हैं, आप क्यों मेरे दक्षिण की ओर बैठती हैं, उठो मेरे बाईं ओर बैठो और पूर्ण रूप से मेरी पत्नी। इस प्रकार का वाक्य जो वर ने कन्या के आगे रखा, तो कन्या ने जवाब दिया कि निदाने ने विवाह होती लाजा हो नहीं है, ये स्वामी ने आपने कहा हमारा विवाह हो गया, मैं नहीं मानती, ये तो मेरे माता पिता का कर्तव्य था, उन्होंने कर्तव्य पूर्ण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, और आपको मेरे योग्य वर समझ कर मुझे आपको सौंप दिया, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, वो कर्तव्य से विमुक्त हो गए, लेकिन जाऊंगी तो मैं आपके साथ अकेली, वो नहीं जाएंगे मेरे साथ, और जीवन पर्यंत मैं आपके साथ रहूंगी, हे स्वामी मेरे साथ वाक्य होंगे, मेरे साथ वचन होंगे, अगर आपको वे साथों के साथ स्वीकार होंगे तो मैं आपके बाई ओर आऊंगी और पूर्ण रूप से मैं आपकी पत्नी बनूंगी। ठीक है, ये आप दोनों का समझौता है आपसे, किन किन नियमों का आपको पालन करना होगा, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होगा जीवन में, इसे ही सात वचन कहा जाता है। सात फेरे नहीं होते, लोग ऐसे होते हैं सात फेरे, सात वचन होते हैं, फेरे चार ही होता है। तो वर कन्या को पहला कदम चलने की आज्ञा देता है अन्न की वृद्धि के लिए, हे कन्या तेरा पहला कदम मेरे घर की ओर ऐसे पड़े कि मेरे घर में अन्न की वृद्धि हो, तभी पत्नी को लक्ष्मी का रहता है, आपके आने से मेरे घर में अन्न धन बढ़ जाए। तो कन्या ने पहला वचन क्या कहा, धनम धान्यम चो निष्ठानम भजनाध्यम चो मद गृहे, हे स्वामी
आपके घर में जितना धन धान्य होगा, मधुर पदार्थ होंगे, खाने पीने के पदार्थ होंगे, उनका मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि तभी मैं मेहमानों का सत्कार कर सकती हूँ, आदर कर सकती हूँ। क्योंकि हमारा जो देश था ना, पहले पुरुष प्रधान देश था, मर्द ही कमाते थे बाहर पैसा ना, औरतें क्या करती थी, घर में रहती थी, भोजन आदि पकाती थी, घर का काम चलाती थी। तो इसलिए उस हिसाब से वाक्य लिखे गए हैं। तो कन्या कह रहे, स्वामिन आपके घर में जितना धन धान्य होगा, मधुर पदार्थ होंगे, खाने पीने के पदार्थ होंगे, वो मुझे आपको सौंपने होंगे। मेरा मान रखने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए, जो कुछ आप बाहर से कमा कर लाओगे, उसमें से कुछ मुझे देना होगा, ताकि मैं आपके परिवार को चला सकूं। ये स्वामिन, बिना कारण के आपको दूसरे घर में नहीं जाना होगा, बिना कारण के आपको दूसरे घर में सहमति करना होगा, बिना कारण से आपको दूसरे घर में भोजन भी नहीं करना होगा। यही हिंदू संस्कृति हमारी, पति पत्नी घर में हो तो पत्नी पति का इंतजार करती है भोजन के लिए, पहले वो पति को परोसती है भोजन। ये संस्कार है हमारा हिंदुस्तान का, पति को भोजन परोसेगी, फिर स्वामी भोजन ग्रहण करेगी। ये संस्कारों में लिखा गया है। तो हे स्वामी, ये मेरा पहला वाक्य है, ये आप कह रहे हैं कि आपको स्वीकार है कुछ नहीं। तो दूसरे बात में वर कन्या को बल की पुष्टि के लिए चलाता है, पहला चलाए अन्न की वृद्धि के लिए। अगर अन्न होगा तो अन्न से क्या होता है, बल मिलता है ना, अन्न खाने से बल मिलता है। बल कैसे प्राप्त होता है, बल को पति को बल कैसे मिलता है, अगर पत्नी पति को अच्छा भोजन पका करके लाए ना, स्वादिष्ट वस्तुएं बना करके लाए, धर्म धान्य जो कुछ होगा मेरे अधीन करना होगा, तो ये आपके अधीन कर देगा, लेकिन आपको अच्छा भोजन पका कर खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि एक बार आटा कोई नहीं, पाँच छः किलो रखते रहे बाई सब्जी, उससे बल नहीं होता है, उसमें पति निर्बल होता है। तो बल की वृद्धि के लिए वर करने को दूसरा कदम चलने की आज्ञा देता है। तो कन्या ने दूसरा कदम, दूसरा वाक्य क्या कहा, गृहे कर्माणि सर्वाणि मयो कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधु नाम भाजनानि चोभार। हे स्वामी, मैं घर के सभी काम काज किया करूँ, मीठे वचन बोला करूंगी, घर में जितने बड़े होंगे, सास ससुर ननद जो भी होंगे, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, इनकी आज्ञा का पालन करूंगी। लेकिन आपको स्मरण रहे, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी डाली है बाप की, आपको याद रहे कि आपको मेरा पालन करना होगा। अब इसका पालन किसे करना पड़ेगा आपको, अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरी पत्नी को किस चीज की जरूरत है, ये सुखी है कि दुखी है, ये बड़ी जिम्मेवारी बड़ी बात है ना। दूसरा पक्ष है, स्वीकार है, ओम त्रिलोकसाय विष्णु। तो तीसरे पाद में अब करने के लिए स्वामी को पालित हम फिर माता पिता जो होने लगे। तीसरे बात कह रहे हैं, अब कन्या सुनो, अब अगला सुनो, समय कम है ना, मैं तस्वीर से बोल रहा हूँ ना, मुझे मेरे माता पिता ने बड़े क्लेशों से पाला, ये कह रही है ना, का पालन पोषण करने में क्लेश होते हैं, बड़े कष्ट किए मेरे। उन्होंने क्या किया, अग्नि को साक्षी माना, यहाँ पर अग्नि जलाई, दोनों पक्ष के कुल पुरोहित जो आमने सामने बैठे थे, जितने भी बुद्धिमान संबंधी व्यक्ति के चार और बैठे थे, उनके सामने इस तरह संकल्प किया और आपको समझे, गवाह है आपकी गवाह, जितने भी लोग मेरी जाति मेरा कुल मेरा गोत्र बदल गया है। पहले दिया था ना अपना नाम इसका, कि मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने देश की, आपका नाम बदल गया, आपका कुल बदल गया, आपका गोत्र बदल गया। तो ये कह रही है, स्वामी मेरी जाति बदल गई, मेरा कुल बदल गया, मेरा गोत्र बदल गया, आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, क्योंकि अब मेरा जो नाम है वो आपके साथ जुड़ गया। अब इसको नहीं बोलेगा वो रानी की बेटी है, ये नहीं बोलेगा, बोले क्या बोलेंगे आपको, रज की पत्नी को बोलेगा, रज की पत्नी के नाम से जानते हैं। तो मेरे में कोई बल नहीं है, ये कह रही है, स्त्री को बला कहा गया, स्त्री में बल होता है पति के द्वारा, पति बलवान हो, पति का समाज में दर्जा हो तो पत्नी का भी होता है, पत्नी का कम जनाना को नहीं, पति का समाज में दर्जा होता है, पति की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हे स्वामी, आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, लेकिन आपको मेरा पालन करना पड़ेगा, ये तीसरा वाक्य करने का स्वीकार है।
तुम्हारे भव विष्णु स्वान तू तो चौथे पाद में भी कन्या कहते सुख दुखानि सर्वाणि भुजना चोत्वया सह। हे स्वामी चौथे पाद में कन्या कह रहे हैं कि सभी सुख दुख में आप ये साथ सहन करेंगे। सुख भी होंगे आप जीवन में, दुख भी आ सकते हैं ना, तो दुख सुख में आपको एक समान रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। मैं आपके साथ स्वामी सुख और दुख दोनों को सहन करूंगी। आपके क्रोध पर होने पर मैं मीठे वचन बोलूंगी। क्या बोल रही है? मैं बोल रहा हूँ आपके क्रोध पर होने पर मैं मीठे वचन बोलूंगी। अगर पति को क्रोध आ जाए ना, अगर पत्नी मधुर भाषणी हो तो क्रोध शांत नहीं रहता है। अगर आप पति को क्रोध हो, पत्नी उल्टा क्रोध करे तो वो बढ़ जाती है। तो हे स्वामी आपके क्रोध पर होने पर मैं मधुर वचन बोला करूंगी और आपके सुख के लिए मैं भगवती गौरी माता का पूजन किया करूंगी। भगवती माता का पूजन होता है करवा चौथ में, स्त्री करती है पति के स्वास्थ्य, पति के सुख के लिए और अपने अनुमति तो आपके सुख के लिए स्वामी मैं उस माता पार्वती गौरी पार्वती का, आपके सुख के लिए मैं माता गौरी का पूजन करूंगी। आपको पालन ओम पंच पशु विष्णु स्वामी कुटुंब हम पालन भारती। अब पांचवें बाद में कन्या कहते हैं स्वामी सुनो आपको जवानी में बुढ़ापे में अपने परिवार का जो कुछ मैं आपको आपको मुझे क्योंकि इसमें बार बार जवान रखती है तो आप सुनूंगा। कह सकते हैं कि जब उचित समय आएगा मैं आपको वस्तु ला कर दूंगी, लेकिन औरतें और कुछ मांगती नहीं, मांगती श्रृंगार के समय और वो ही मैंने रखा जा रहा है। तो इस प्रकार की इच्छा अगर आपकी पत्नी आपके आगे करे तो आप क्रोध मत करना ना। मीठे वचनों से कह सकते हैं जब उचित समय आएगा मैं आपको एक वस्तु ला कर दूंगा, लेकिन क्रोध से नहीं मीठे वचनों से। ये कन्या का पांचवा वाक्य है, ठीक है, स्वीकार है जी? ठीक है। ओम खड़तुभ्यो विष्णु स्तवंतु छेमे पाद में अब कन्या कहती है स्वामी ने सुनो मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। इसके माता पिता ने आपके चरण स्पर्श किया, आपका दर्जा ऊंचा हो गया है इनके परिवार में। जवाई का दर्जा ऊंचा ही होता है, देवते के समान पूछेंगे इनकी तब तो बहुत ज्यादा मान्यता है ना। विष्णु का तो हो जाएगा खत्म कर लो, मुकुट पर जाएगा तो विष्णु ने तब तक ये विष्णु है। उन्होंने प्रेम पूर्वक मेरे हाथ में मौली बांध कर मुझे आपको सौंप दिया क्योंकि जीवन पर्यंत स्वामी हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। रजी ये बोल रहे हैं कितना भी है आप दोनों का प्रेम होगा झगड़ा हो जाता है ना कभी कभी, तो कभी झगड़ा हो जाए मन मुटाव हो जाए तो यह मत कहना कि तेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया। इससे बड़ा नहीं सकता कुछ भी। एक बच्चे का पालन पोषण करना 18-20 वर्षों तक 25 वर्षों तक उसे पालना, जब वो अपना सहारा बनने योग्य हो जाए तो पर उसको बिना इच्छा के सौंप दो, है ना। आपको दे दिया उनको कोई इच्छा, उन्होंने इसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया, अपनी बेटी को आपको दे दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हे स्वामिन मैं आपकी दासी हूँ, अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरा क्षमा वाक्य है। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपकी ओर अपना क्षमा करना। सके सबदा भक्सा मानवता विष्णु स्तवंतु सातवें पाद में अब कन्या कहती है स्वामी होम यज्ञ विवाहे चो कन्या नाने मखे वर्ते अंचर ग्रंथिम आदायो बाम अंग तथा अर्ध पापम प्रदास्यामी नत हो पाप भगनी। जब भी हम परिवार में इकट्ठे रहेंगे स्वामी, कोई हम व्रत करेंगे पूजा पाठ करेंगे, मैं आपके अंचल को पकड़ा करूंगी और आपके बाईं ओर बैठा करूंगी, बाईं ओर बैठकर आपके साथ में भगवान का पूजन किया करूंगी, सत्कर्म किया करूंगी और जो भी आप पुण्य का कर्म होगा मुझे उसका आधा भाग मिलेगा, उस भाग को मैं लूंगी। जितना भी आप पुण्य का कर्म करोगे आधा भाग मुझे जाएगा क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधे अंग की मालिक हूँ, बामंगी हूँ। अगर मैं कोई पाप कर्म करूंगी आपको आधा भाग लेना पड़ेगा, पुण्य का नहीं मिलता स्त्री का कर्म, पाप का मिलता है। लेकिन अनजाने में जो पत्नी पाप कर्म करेगी उसका भाग जाता है पति को, भोजन पकाने में मरते हैं जी, अग्नि जलाने में मर जाते हैं, झाड़ू आदि लगाने में, जल भरने में कई प्रकार के जीव मरते हैं। इस प्रकार के जो पाप होते हैं वो पति को हो जाते हैं आधे, लेकिन जानबूझकर अगर कोई स्त्री पाप कर्म करेगी वो स्वतः भोगेगी। ये सात वाक्य हैं आपके रजत के लिए।
तो कुछ लोग सातों के साथ स्वीकार हैं, ठीक है जी। ब्रजित ने मान लिए सातों के साथ वाक्या। अब रजित जी आप भी इसके आगे दो बातें बोलेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि हे कन्या जो कुछ तूने कहा मैंने मान लिया, लेकिन मेरे घर में जाकर तुझे कुछ एक नियमों का पालन करना होगा। वो नियम कौन है? उद्याने आदो धर्मधरा कुटुंबम सुखदा तथ्यो प्रियवासिनी। हे कन्या मेरे घर में जाकर सच बोलना, झूठ मत बोलना। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ ही परिवार में कला क्लेश पैदा करता है। सत्य वचन बोलना, मेरे घर में आए हुए मेहमानों का सत्कार करना, जो भी घर में बड़े होंगे उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि पति चाहे कितना चलाक हो, पत्नी गृहिणी लक्ष्मी मधुर वासिनी ना हो तो घर की पहचान नहीं होती, वही मेहमानों का आदर सत्कार करती है। इस प्रकार के स्थान पर मत जाना जहाँ बुरी संगति के लोग बैठे हों, ज्वारी लोग बैठे हों, क्योंकि स्त्री को वहां पर जाने का अधिकार नहीं है। अगर पति भी किसी का मिल की बात नहीं करना हो, अगर किसी का पति भी अपने मित्रों के साथ मदरा आदि पान करने में दूसरे कमरे में बैठा हो और पत्नी को आवाज लगाए कि पानी ला, तो मत जाना, वहां पर उसे जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सबकी नजर एक जैसी नहीं होती है ना, ठीक है ना। पर पुरुष के साथ ज्यादा बातचीत करना छोड़ देना, ज्यादा हंसना गाना बजाना छोड़ देना। भर कह रहा है कि कन्या घर के भीतर तू सुख और दुख को भोगती हुई मेरे साथ स्थित होगी, मेरे साथ रहेगी, क्योंकि हमारी जो गृहस्थी है वो एक नौका होगी, किस्ती होगी, दोनों एक समान चलाओगे, किस्ती सीधी जाएगी, अगर एक छोड़ देगा तो वो डगमगा जाएगी। तो हम दोनों को ही अपनी गृहस्थी चलानी है, दोनों को नियमों का पालन करके उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद करके गृहस्थ जीवन को सुख में और मधुर में बनाना है। ये वर्ग की तरफ से आपको प्रतिज्ञा है, स्वीकार्य आपको कुछ दिन को। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि बोलिए श्री कृष्णचंद्र बलदेव की जय। मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चितम अनचितम ते अस्तु। मैं अपने व्रत नियम से तुझे अपने हृदय में धारण करता हूँ, इसका मतलब है ना, इसको आप धारण कर रहे हैं अपने हृदय में, जैसा मेरा मन वैसा आपका भी मन हो, दोनों के एक जैसे विचार हो तब जीवन चलेगा, पैसे देखे छोड़ दोनों को धारण नंबर है ना। इसको पीना है ऊपर वाले, अब डाल दो। मंगलम भगवान आराम से आगे नाथ भी देखना। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गगन भैया मंगलम। अब ये पकड़ना खबर था, खबर था ऐसे देखो सर, इसको गले के ऊपर मम्मी ने बोला है कि ठीक है, मम्मी ने बोला है कि सबसे छोटा जो भाई है उसको तंग नहीं करना, खाना तंग नहीं करना, आई सीधे ना पता भी नहीं चाहिए।